सक्सेस, ये वो चीज़ है जो हर इंसान को चाहिए। किसी को नौकरी, किसी को पैसा, किसी को फर्स्ट आना है, किसी को अपना बिजनेस बढ़ाना है। हर कोई इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन फिर भी हम अपने आसपास देखते हैं कि सिर्फ 10 या 20% लोग ही एक्चुअल में सक्सेस हो पाते हैं। ऐसा क्यों? आज हम बात करेंगे उन क्वालिटीज़ की जो इन 10 या 20% लोगों की होती है, बाकी के 80 या 90% लोगों में नहीं होती और उन्हें जीतना सिखाती है। दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और मैं हूँ एक एंटरप्रेन्योर, और फालतू की बकवास ना करते हुए आइए देखते हैं वो वीडियो जो शायद आपकी लाइफ बदल दे। सक्सेसफुल लोगों की सबसे खास बात यही होती है कि ये अपनी हॉबी को ही अपना वर्क बना लेते हैं, या अपने वर्क को एक हॉबी की तरह, एक शौक की तरह करते हैं। उन्हें अपना काम करने में मज़ा आता है, वो अपने काम से प्यार करते हैं। तो आज ही दो चीज़ों में से एक चीज़ अपना लीजिए, या तो वो काम करना शुरू कर दीजिए जो आपकी हॉबी है, जिसे करने में आपको मज़ा आता हो, या फिर जो भी काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसमें अपना मन लगाइए, उसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, उस काम को मज़े के साथ कैसे किया जा सकता है उसके बारे में सोचिए। एक बार आपको अपने काम में मज़ा आने लग गया ना, तो आपकी ग्रोथ को कोई रोक ही नहीं सकता। दूसरी चीज़ आती है दोस्तों, डेडिकेशन। आप अपने पास किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देख लीजिए, वो अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड रहते हैं। अगर उन्हें पढ़ना है तो पढ़ना है, सेल्स करनी है तो करनी है, प्रैक्टिस करनी है तो करनी है, कुछ सीखना है तो सीखना है, क्योंकि वो अपने गोल के लिए डेडिकेटेड रहते हैं। उनका माइंड कहीं भी इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता और मैक्सिमम टाइम वो अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करने में दे पाते हैं। तो अगर आपका कोई भी गोल है, छोटा बड़ा मीडियम वट एवर, डेडिकेट हो जाइए। बस 25% रेस तो आप सिर्फ डेडिकेशन की वजह से ही जीत जाएंगे। सक्सेसफुल लोग हमेशा चीज़ों को प्लान करके चलते हैं। कल क्या करना है उसकी प्लानिंग ये आज ही कर लेते हैं। प्लानिंग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको पता रहता है कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, क्या कमी है, कैसे दूर कर सकते हैं, उन सब का मैनेजमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। खरगोश और कछुए की कहानी तो आपने सुनी होगी ना, ज़रा सोच कर देखिए, अगर खरगोश ने प्लानिंग के साथ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आराम किया होता तो रेस वो भी जीत सकता था। भगवान ने जो एक इकलौती चीज़ इस दुनिया में सबको बराबर दी है, वो है दिन के 24 घंटे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और सबके लिए 24 घंटे ही होते हैं, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हो या आपके पड़ोस में रहने वाला कोई विनोद। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग इन 24 घंटों को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, जिसमें वो अपना वर्क भी टाइम से कर लेते हैं, फैमिली को भी टाइम दे पाते हैं, एंटरटेनमेंट भी कर लेते हैं, और उसके बाद भी कभी टाइम नहीं है वाली शिकायत नहीं करते। ज़रूरत पड़ने पर वो अपने टाइम को मल्टीप्लाई करने के लिए दूसरे लोगों से हेल्प लेने या उन्हें हायर करने में भी शर्म नहीं करते। टाइम मैनेजमेंट की एक छोटी सी टिप अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप 24 घंटों को 3 से डिवाइड कर दीजिए। 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे, इसमें से 8 घंटे आप सोने या रेस्ट करने और बेसिक डेली रूटीन वर्क में कर सकते हैं, बाकी के नेक्स्ट 8 घंटे आप अपना जो भी मेन वर्क है, चाहे आप बिजनेस करते हो, पढ़ाई करते हो, जॉब करते हो, वो आप आराम से कर सकते हैं। इन सब के बावजूद भी आपके पास 8 घंटे और बच जाएंगे जिसमें आप जो चाहें वो कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन या हार्डवर्क वो चीज़ है दोस्तों जहाँ मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं। सक्सेसफुल पीपल सबसे ज़्यादा फोकस एग्जीक्यूट करने में लगाते हैं, बाकी चीज़ें जैसे प्लानिंग, मैनेजमेंट वगैरह सिर्फ एक बार करने वाली चीज़ें होती है, और सच कहूँ तो बहुत आसान भी होती है, लेकिन हालत ख़राब होती है उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में, मेहनत करने में। साल भर या पूरा सेमेस्टर पढ़ाई ना करने पर भी लास्ट एग्ज़ाम के दिनों में किया गया हार्डवर्क बहुत से लोगों को एग्ज़ाम पास करवा देता है। ये पावर होती है एग्जीक्यूशन की, ये पावर होती है हार्डवर्क की। इसे अपनी डेली रूटीन में रखिए। मुझे पता है थकोगे, हारोगे, नींद आएगी, मायूस हो जाओगे, लेकिन फिर से उठ खड़े होना है। चाय, कॉफ़ी या जिससे भी आपको एनर्जी मिले लीजिए, गाने सुनिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, सोचिए आपने मेहनत करना क्यों शुरू किया था, इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, अपने ड्रीम्स की तरफ देखिए और वापस लग जाइए काम पर। बढ़िया से बढ़िया स्मार्टफोन भी डिस्चार्ज होने पर किसी काम का नहीं रहता, उसे बार बार चार्ज करना पड़ता है। वैसे ही सक्सेसफुल लोग खुद को रिचार्ज करते रहते हैं। याद रखिए, दो तरह के चार्ज होते हैं, बैटरी चार्ज और बैलेंस रिचार्ज। मोबाइल की बैटरी भी चार्ज करनी पड़ती है और सिम कार्ड में बैलेंस रिचार्ज भी करना पड़ता है, तब जाकर के आपको स्मार्टफोन का पूरा मज़ा मिल पाता है। लाइफ में भी आपको दो तरह के रिचार्ज करने पड़ेंगे,
बॉडी रिचार्ज और माइंड रिचार्ज। अच्छे हैबिट्स रखिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छे एक्सरसाइज कीजिए ताकि बॉडी चार्ज रहे, एनर्जी मिलती रहे। हार्डवर्क करने के लिए बॉडी में एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। बॉडी रिचार्ज तो फिर भी लोग कर ही लेते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग अपने माइंड को भी रिचार्ज करते हैं। अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, अच्छे वीडियोस देखते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, नेगेटिविटी से या फालतू की बातों से दूर रहते हैं। आपको भी ये करना होगा। अच्छे से अच्छे प्लान की भी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है, तो क्या हम स्मार्टफोन को फेंक देते हैं? नहीं, हम रिचार्ज करते हैं। बस वही कीजिए, अपने सपनों को भी रिचार्ज कीजिए, उन्हें फेंकिए मत। तो दोस्तों, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए लगन से लगातार, और याद रखिए, ये आपकी लाइफ है, बनानी भी आपको ही पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आने वाले दिनों में ऐसे बहुत से वीडियो मैं लेकर आने वाला हूँ। बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।